हेलो अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल गफ्फार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए। और जिन लोगों ने पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास तमाम खबरें आती रहें। और वीडियो को देख कर ज़रूर लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कॉमेंट ज़रूर दीजिए कि आपके ख्याल में स्पेशली आज के टॉपिक पर अगर हम बात करें पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका, तो ये एक टॉपिक है। दूसरा कॉन्टेंट, डिकॉग के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। इस पे अपना आर्गूमेंट दूंगा मैं आपको, जो ऑब्वियसली बदलती सूरत हाल है। पहले तो ये मामला सिर्फ इतना था कि लगता ये था कि कॉन्टेंट डिकॉक ने ऐसा जान बूझ के नहीं किया, फिर इस चीज़ की वजाहत दे दी कप्तान ने। और ऑब्वियसली रूल मौजूद है, रूल्स जब मौजूद होते हैं तो फिर पे अमल होना चाहिए, और अगर उस पर अमल नहीं होगा तो सवाल उठेंगे। और इसमें बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि आप किस टीम से हैं, आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं, इसमें असूल की बात होती है, तो वही मैं बात करूंगा और आपको चेंजेस भी ज़रूर बताऊंगा। लेकिन पहले मैं कॉन्टेंट डिकॉक की बात कर लूं। देखिए एलन विल्किंस हो, रदरफोर्ड हो, बहुत सारे और लोग जिन्होंने इस बारे में बात की, सबका यही मानना था कि उनकी जानिब से जो है ना वो एक बहुत, जैसे वकार यूनुस ने भी लिखा कि चीकी गिगल, यानी कि बड़ी मायने खेज और एक चलाकी वाली मुस्कुराहट थी थोड़ी सी, और लगा ऐसे जैसे वो कुछ अचीव कर चुके हैं। रन आउट तो खैर उन्होंने किया, बट वो रन आउट उन्होंने जिस अंदाज से हासिल किया वो सवालात उठ रहे हैं। रन आउट कीजिए, एंजॉय कीजिए। वो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियंस सबसे ज़्यादा स्लैजिंग करते हैं, और स्लैजिंग कभी कभी जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है, बट यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट जो है ना वो एक अलग तरीके से हो रहा है, जिसमें आप खेल के अंदर असरअंदाज हो रहे हैं। खेलते हुए भी आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, खेलने से पहले या बाद में बोला जाता है, एग्जैक्टली बॉल करते हुए भी कोई बात नहीं कर रहा होता। तो ये एक तो एलिमेंट है इस पूरी एपिसोड का जो डिकॉक वाला है। और दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि कॉन्टेंट डिकॉक ने जो कुछ किया, उनके कप्तान ने बाद में इस चीज़ को मान लिया बबूमा ने, और क्रिक इन्फो पे स्टोरी मौजूद है, आप जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वही समझते हैं कि फ़खर जमान और जुनूबी अफ्रीका और जीत के दरमियान जो है वो हाई लो रहे थे, और उनकी विकेट उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप ने बतौर कप्तान इस चीज़ को मायना कि आपने एक उस अंदाज से किसी को आउट करने की कोशिश की जो कि लॉज के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। यही मेरा पहलू रहेगा इस वीडियो में, मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज़ अगेंस्ट द रूल्स है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आज आप रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कल आप करेंगे तब भी सवाल उठेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली रूल का फ़ायदा कोई नहीं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और बबूमा के इस एतराफ़ के बाद कि उन्होंने क्वेंटन डिकॉक ने की नीयत यही थी कि वो डिस्ट्रैक्ट करें फ़खर जमान को आउट करने के लिए, इसके पास कुछ बचता नहीं आर्गूमेंट, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आईसीसी को एक्शन ले लेना चाहिए था खुद से, अंपायर्स को, मैच रेफरी को, और स्पेशली बबूमा के इतराफ़ के बाद तो बात कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। बट चलें, जो हुआ सो हुआ, चूँकि अब तो मेरे ख्याल में इसमें कोई चीज़ हो नहीं सकती, और 48 घंटे होते हैं और मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर चीज़ें हो जाती हैं, बट उसके बाद मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा। 5 पेनल्टी रन का मामला नहीं है, बात सिर्फ रूल्स की है। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका, तीसरा वनडे और सेंचुरी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस करते हुए तो पाकिस्तान को मौका मिला, तमाम लड़के प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए, बट शादाब खान इंजर्ड हैं, वो नहीं खेल रहे। उनकी जगह मेरे ख्याल में असूली तौर पर आना तो चाहिए उस्मान कादिर को ही, बट मोहम्मद नवाज का ऑप्शन भी मौजूद है, तो दो तब्दीलियाँ तो मुझे लग रहा लाइकली हैं। हैदर खेल जाएंगे और ऑब्वियसली कोई एक स्पिनर खेलेगा इन प्लेस ऑफ शादाब खान। अब देखना यह है कि हसन अली जो अभी तक नहीं खेले, और कोरोना के बाद उनकी जो सेहतियाबी है शायद 10 ओवर के लिहाज से नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि हसन अली को कल टीम मैनेजमेंट खिलाना चाहेगी। शायद मुझे लगता है उनको एक और रेस्ट मिल जाएगा, और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी वो अभी ताज़ा ही, आपको पता है, एक सीरीज़ पहले ही फिट होकर आए हैं। फिर कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो मेडिकली भी अगर हम देखें, कोई भी बीमारी जो 14-15 दिन की हो, ऑब्वियसली मलेरिया जैसे लंबा होता है, बुखार हो जाए, या ऑब्वियसली कोरोना का तो आपको पता ही है कि इसके अब तक समझ नहीं आई कि एग्जैक्टली कितना डैमेज कर देता है। सो आई थिंक हसन का ना खेलना समझ में आता है, क्योंकि अगर वो मेडिकली या उनके अंदर वो एक इम्यूनिटी नहीं है तो उनको खिलाना शायद थोड़ा सा रिस्क होगा, और आगे अभी बहुत क्रिकेट बाकी है।
तो आपकी क्या ओपिनियन है पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीली होनी चाहिए? दानिश अदीद आसिफ अली दोनों फॉर्म में नहीं है, एक वो प्रॉब्लम भी चल रहा है, क्या उनकी जगह हम मोहम्मद नवाज को खिला सकते हैं बॉलिंग स्ट्रेंथ करने के लिए? मेरी जाती राय में जो मेरी इलेवेंथी में बता देता हूँ, क्या फ़खर और इमाम से ओपन कराइए, उसके साथ साथ आप रखिए जनाब फिर बाबर आजम को, उसके बाद आप रखिए हैदर अली को, रिजवान को लाइए, फिर आपके पास जो है ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान जो है जब आते हैं उसके बाद आप ला सकते हैं मोहम्मद नवाज़ को ला सकते हैं, इसी तरह आपके पास फिर नीचे फ़हीम अशरफ हैं और हसन अली अगर फ़िट होते ज़रूर आएँ अगर फ़िट हैं तो, और अगर वो फ़िट नहीं होते तो ऑब्वियसली फिर आपके पास मोहम्मद नवाज़ का ऑप्शन मौजूद है। फिर फास्ट बॉलर में आपके पास शाहीन और हारिस रऊफ और हसनैन ही ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास अगर हसन ही खेलते तो कोई और ऑप्शन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक सूरत हाल है जो इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है, बट आपके ख्याल में आपकी इलेवन क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका की टीम में 5 की प्लेयर्स नहीं होंगे उनके, स्पेशली नोकिया के जाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो आपके ख्याल में मुझे भी बताइए। मेरा तो अपनी जाती राय है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा साउथ अफ्रीका में, अगर नॉर्मल क्रिकेट हुई पाकिस्तान ने अपनी पोटेंशियल पे खेला तो पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए, कोई वजह नहीं है कि इस मैच में पाकिस्तान हारे, बट अगेन कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस ना हो जाए साउथ अफ्रीका की तरफ से तो वो अलग चीज़ है, बट आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक हार्ट फ्रॉम द सेकंड मैच फाइट बैक बाय फ़खर जमान और चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि क्या फ़खर जमान को T20 स्क्वाड में आना चाहिए? मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी जब वो T20 स्क्वाड में नहीं थे। ही इज टेलर मेड फॉर T20 क्रिकेट, इंपैक्ट प्लेयर हैं, पहले 25-30 गेंदों पर 40-50 करते हैं तो आपको पूरा मैच बना देते हैं, तो आई थिंक इतला तो ये है कि शायद उनको शामिल किया जा सकता है, बट अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट मेरे ख्याल में तो फ़खर जमान को पाकिस्तान की तमाम लिमिटेड ओवर स्क्वाड में होना चाहिए। टेस्ट में बेशक आप ना रखें, उनको थोड़ा टाइम लगेगा अभी टेस्ट मैच में अपने आप को ढालने में, एक दफ़ा आपको याद है साउथ अफ्रीका में खेले थे और खेले भी कैसे के खेले और उसके बाद ओपन करके आपने कुछ 6ठे 7ठे नंबर पर खिला दिया, टेरेबल किस्म की मैन मैनेजमेंट थी वो उस ज़माने में, जो भी भारत टीम मैनेजमेंट थी जिन्हें आप छोड़ें, उस ज़माने में की आर्थर मेरे ख्याल में मौजूद थे वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज़ हुई थी, बट अब तक की इतला के मुताबिक जनाब ये चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, फ़खर जमान को होना चाहिए T20 स्क्वाड में बिल्कुल होना चाहिए, बट क्या रखेंगे नहीं रखेंगे इसका फैसला जो है वो आज हो जाएगा। आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा, और साथ साथ कल से जो है वो IPL के ऊपर चूँकि बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, टीमों के रिव्यूज़ और जितनी भी स्क्वाड रिव्यूज़ के अलावा जो लेटेस्ट खबरें हैं वो आपके साथ शेयर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कॉन्टैक्ट में रहिए। टेक केयर।